फ्रेंड द टाइम इज़ कमिंग अप एंड जो है लाइन में लग गए हैं ये टिकट्स हैं जो बुर्ज खलीफा की एट द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा 148 नंबर फ्लोर पे जो है वो भी हम जाएंगे। सो लेट्स सी जी, जा रहा हूँ अभी, देखते हैं कि क्या माहौल बनता है। ओके जी फ्रेंड्स, अभी इस लाइन में उन्होंने मुझे घुसा दिया है एंड लेट्स सी जी, देखते हैं जी कि क्या होता है क्या नहीं कैसे जी। वीडियो 7 o'clock फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे एक स्काई लाउंज बना हुआ है, यहाँ पे मुझे इन्होंने वेट के लिए बोला है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी हैं, वो मेरे साथ वेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे वेट करने के लिए बोला है, फिर यहाँ से लेट्स सी देखते हैं कि आगे जाएंगे और क्या सीन होगा। अभी यहाँ पे मुझे इन्होंने बोला है कि आप स्काई लाउंज में वेट करें क्योंकि हमारा टाइम 7 o'clock है, नेक्स्ट टाइम पे 7:45 के 7:50 हो रहे होंगे। सो लेट्स सी देखते हैं कि अभी ये लोग आगे हमें कहाँ भेजते हैं, वहाँ से एग्जिट तो लिखा हुआ है, लेट्स सी देखते हैं कि क्या सीन होगा। इन्होंने मुझे ये एक स्काई VIP, मैं भूल गया था कि कहाँ पे है, बट ये मुझे एक इन्होंने स्काई VIP टिकट दिया है, ये मैंने यहाँ पे लगा लिया है और अभी जो है वो हम लोग आगे की तरफ चलते हुए जा रहे हैं। सो लेट्स सी जी, लेके जा रहे हैं ये हमें वहाँ से, आई थिंक सो के कोई लिफ्ट जो है वो ऊपर जाएगी एंड फिर वहाँ से जो है ये लोग हमें ऊपर ले जाएंगे। आई एम सो मच एक्साइटेड बिकॉज बहुत ऊँचा है फ्रेंड्स, 58 फ्लोर्स थे उसके स्काई व्यू के, जिसने मुझे हिला दिया था। और ये आप इमेजिन कर लें कि 148 फ्लोर्स ट्रिपल, ओ माय गॉड। इन्होंने एक चीज़ बनाई है बुर्ज खलीफा का, एक स्केच सा, एक वो डमी सा बनाया हुआ है। चलें जी फ्रेंड्स, भाई कह रहे हैं आ जाए मेरे पीछे पीछे, सो हम जा रहे हैं। दो हैं, एक फुल VIP है, एक स्काई VIP है। फुल VIP तो पूरा एट द टॉप है, स्काई VIP जो है वो उससे थोड़ा, यानी कि लेट सपोज अगर मेरे ख्याल से अगर 180 या 160 फ्लोर्स हैं तो हम लोग 148 पे जाएंगे। जी फ्रेंड्स, ये साथ साथ जो है ना इसके बारे में बताते जा रहे हैं कि ये क्या है, इसको क्यों बुर्ज खलीफा कहते हैं और मतलब कि सारा सिस्टम जो है ना इसके बारे में बता रहे हैं। सो अभी जा रहे हैं जी अंदर, देखते हैं। वेरी मच एक्साइटेड एंड डर भी लग रहा है बिकॉज़ यार बहुत ऊंचा है यार, खुदा का बंदा पता नहीं क्या बना दिया इस भाई ने, बहुत ऊंचा है भाई, बहुत ऊंचा है। सो डर भी लग रहा है लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, क्या होना है इंशाल्लाह, जो किस्मत में है वो तो है। देख के तो जाए ना, अब इतनी दूर आए हैं और इतना बड़ा टूर प्लान किया है तो इसको देखना तो फिर बनता है ना फ्रेंड्स, इसको देखे बगैर जाना तो मेरा नहीं ख्याल के कहीं की भी जो है वो है। और अभी मैंने तो तकरीबन, मुझे जो अट्रैक्शन मेरे हाथ लग गई मैंने वो अट्रैक्शन मिस नहीं होने देनी, दैट्स माय गोल बेसिकली, दैट्स माय गोल। ओह माय गॉड, यू कैन सी द टॉप। फ्रेंड्स, यहाँ से बिल्डिंग का पूरा टॉप नज़र आ रहा है शीशे से, बट अभी अंधेरा है तो आप लोगों को शायद मैं दिखा नहीं सकूँगा, बट यहाँ से टॉप नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको देख लें, पिक्चर्स ले लें। सो ये सीन्स हैं जी यहाँ पे, और ये बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पूरी यहाँ से नज़र आ रही है और सब पिक्चर्स ले रहे हैं। देखें हर बंदा जो है वो पिक्चर्स ले रहा है टॉप की। सो लेट्स सी, ये देखिए levels. Okay. 160 levels. Okay. So ये भाई जान कह रहे हैं कि 160 levels हैं, हम लोग 148 तक जाएंगे और 550 feet पे होंगे जो कि the most highest level है किसी भी ऑब्जर्व, मतलब कि किसी भी बिल्डिंग के टॉप से ऑब्जर्व करने का। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड।
Oh my god, friends. Okay, so यहाँ पे जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं, इन सब स्क्रीन्स पे जो है वो बुर्ज खलीफा की जो कंस्ट्रक्शन का सारा वो है वो जो है वो बता रहे हैं. The whole construction process took 6 years. More than the 6 years, we used to have a total of 12,000 workers coming every day to one job. And the total cost ended up at $1.5 billion. When it's windy, the top of the building moves maximum of 3 meters, 1.5 inch. And inside the building, you get a sign from the ground floor to level 39. We have Armani Hotel. By far, there's two existing Armani hotels in the whole world. First one is in Milan, Italy. Second one is in Dubai, and both were designed by Giorgio Armani himself. जी तो फ्रेंड्स, फर्स्ट फ्लोर है और अब फर्स्ट से हम लोग जो है वो 148 पे जाएंगे. और चलें जी फाइनली जी, लिफ्ट मज़े की है और अच्छी फील आ रही है लिफ्ट को देख के. लेट्स सी, लाइट्स बंद हो गई हैं और लिफ्ट में ये चलना शुरू हो गया और 1:17 पे जो है वो ये लिफ्ट ऊपर पहुंच जाएगी. और कान जो है वो अजीब से बंद हो गए हैं और लिफ्ट जो है ना वो टॉप और टॉप ऊपर जा रही है भाईजान, फुल टाइम स्पीड में जा रही है, फील हो रहा है. देखते हैं कि क्या सीन बनता है. और हाँ 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 सो लाइफ के हैवीएस्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं. 70th फ्लोर पे हैं इस टाइम पे, 73, 75, 78, 80 एंड देन फ्लोर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. और ठीक है, मतलब अभी तक आपके भाई को डर नहीं लग रहा क्योंकि पहले भी स्काई व्यू देख के आ चुके हैं. बट स्काई व्यू में 58 फ्लोर पर यहाँ से जाएंगे वापस. चलो ओपन, ये वाला ओपन होगा तो ओके. सो फिलहाल अभी हम लोग जो है वो 125th लेवल पे हम लोग ओके जी. तो इन्होंने 125th लेवल पे उतारा है, कमिटमेंट तो 148 की थी. क्या पता आगे कोई और ओके. सो फ्रेंड्स, 125th तक एक और लिफ्ट थी जिसमें काफ़ी सारे लोग थे और ये थोड़ी सी छोटी लिफ्ट है सी. एंड अब इसमें हम लोग ऊपर 148 तक जा रहे हैं. 146, 147 and 148 ओके. You can start to experience from the balcony this way. Okay. So friends, we reached level 148 and अभी चलते हैं बेल्कनी में, देखते हैं कि क्या व्यूज़ हैं, क्या सीन्स हैं. Floors in total. So 148 floor. Let's see.
थोड़ा सा डरूंगा लेकिन नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। आई एंजॉय दैट और ये व्यू आपके सामने है चीते का। बुर्ज खलीफा टॉप से मैं वापस आ चुका हूँ। बड़ा ही मज़ा, एक एक्साइटिंग किस्म का जो था वो बुर्ज खलीफा टॉप का टूर था। बहुत ज़्यादा देर ऊपर नहीं रुका क्योंकि फ़ायदा नहीं था, बस देख लिया था, पिक्चर्स ले ली थी। सो अभी वापस जा रहा हूँ रूम की तरफ और मेट्रो पकड़ूंगा और फिर बाकी जो है ना कल का प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि आज का रूट तो बहुत ईजी था बिकॉज मेट्रो डायरेक्टली दुबई मॉल और ये वो सारा सिस्टम में ले आती है। बट कल के रूट के लिए आई हैव टू प्लान समथिंग, सो देखते हैं कि क्या होता है, लेट्स सी। जी भाईजान, मैं उस साइड फिर रहा था कल, आज मैं इस साइड आ गया हूँ। एक अंकल से पूछा है कि मुझे कोई अच्छा शवरमा बताएं कि जहाँ से अच्छा शवरमा मिल रहा हो तो मैं वो खाऊं। तो उन्होंने बोला है कि यार मज़ीद आगे जाओ, कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है फिर मज़ीद आगे जाते हैं। मैं कहा अंकल टू मच वॉक इन दुबई, कहते हैं हा 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 हा। मैंने कहा अच्छा, तो भाईजान जा रहे हैं आगे और बस अभी देखते हैं कि क्या सीन है। थकावट बहुत शदीद हो चुकी है यार,